हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल जिंदगी के अध्ययन में। जैसे कि हमें पता है कि जिंदगी में जो है दो प्रकार के इंसान होते हैं, लीडर होता है और एक अनुयायी होता है। तो ये आपको जो है लीडर, ये आपको चूज करना पड़ेगा पहले कि आपको लाइफ में लीडर बनना है या अनुयायी बनना है। वैसे लीडर वही बनता है जो कि डिसिप्लिन में अपने आप को रखता है, अपने आप को बांध के रखता है, कभी भी उलझता नहीं है किसी से भी बेवजह, अपनी जबान को कंट्रोल में रखता है, वही व्यक्ति आप भविष्य में लीडर बनता है। तो हम जानते हैं आज कुछ लीडर्स के गुण, क्या कौन कौन से लीडर्स के अंदर जो है गुण होते हैं जिससे कि वो एक अच्छा लीडर बनता है। लीडर्स का पहला गुण है साहस। साहस मतलब स्वयं के बारे में ज्ञान और अपने व्यवसाय के प्रति ज्ञान। लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जो अपने आप को जानता है, जो अपने आप से बातें करता है, जो अपने आपको इम्प्रूव करने के पीछे लगा रहता है दिन रात, दूसरों की कमियों को नहीं देखता है, जो अपनी ही कमियों को हमेशा देखता रहता है, वही एक अच्छे लीडर में उसमें गुण होता है साहस। और अपने जो वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका भविष्य में उसका गोल क्या है, उसको वो चीज पता होती है। दूसरा गुण है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण अर्थात मतलब अपने ऊपर कंट्रोल, कि व्यक्ति जो है अपने ऊपर, जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता वो कभी भी सफल नहीं हो सकता जीवन में। अगर कमियों के बारे में पता भी है लेकिन उस कमियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो उसका अपने ऊपर आत्मनियंत्रण नहीं है। और जो अच्छा लीडर होगा वो अपनी कमियों को जानेगा, वो एहसास, फिर वो उसको दूर करने का प्रयास करेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे कि आजकल के समाज में, जैसे आप देख लो, डिस्ट्रैक्शन के बहुत बहुत सारे तरीके हो गए जिससे कि वो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य से भटक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है लाइफ में। आजकल सोशल मीडिया और जो भी है, फेसबुक, टिकटॉक, जितने भी हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन करते हैं। तो जो अच्छा लीडर होगा वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, अपने आप को जो है आत्म नियंत्रण कर लेगा, अपनी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अच्छा लीडर भी हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान रखता है और उसको दूर करता है और अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। तीसरा गुण है न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण मतलब सही है उसको सही बताना, किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके अपना फैसले को ना बदलना, जो चीज सही है उसका पुरजोर आवाज उठाना। चौथा गुण है निर्णय की निश्चितता। जो निर्णय की निश्चितता मतलब फैसले लेने की शक्ति, जो अच्छा सफल लीडर होगा वो हमेशा तुरंत फैसले लेगा। जो अगर उसको लगता है कि ये भविष्य में ये फैसला लेना बहुत जरूरी है तो वो उस फैसले को लेगा और उस फैसले पर टिका रहेगा और उस पर अमल करता रहेगा, उसके जरिए जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जिनमें निर्णय लेने की पावर नहीं है वो हमेशा उलझे रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, हमेशा सोचते रहेंगे कि कैसे हमें करना है नहीं करना है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। पांचवा गुण है योजनाओं की निश्चितता, कि मतलब जो अच्छा लीडर जो है उसकी जो वो करने वाला है फ्यूचर में, जो उसका लक्ष्य है, पूरी प्लानिंग पहले से ही रहती है, वो अपने कई साल की प्लानिंग जो है पहले ही कर लेता है, अपनी प्लानिंग के अनुसार चलता है, योजनाएं बना के चलता है कि उसको अपने अनुयायियों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसको कॉन्फ्रेंस करनी है, मीटिंग्स करनी है, तो वो सारी प्लानिंग स्ट्रक्चर वो पहले ही माइंड में बना के रखते हैं। अच्छे लीडर को भी जो है भविष्य की हमेशा प्लानिंग बना के रखनी चाहिए, जो उसके पास काम है कैसे करना नहीं करना है, वो हर सिचुएशन के बारे में तैयार रहना चाहिए। जिनके पास कोई भी काम करने की प्लानिंग नहीं होती है ना, वो हमेशा भटकते रहते हैं, कभी भी वो एक दिशा में नहीं चलेंगे स्ट्रेट, क्योंकि प्लानिंग नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ हर जगह पे हाथ पैर मारेंगे। बिल गेट्स कहते हैं कि वो सफल इतना इंसान इसलिए बने कि बहुत ही कम चीजों पर उन्होंने फोकस किया, लेकिन जिनके पास प्लानिंग ही नहीं है वो सब जगह पे फोकस करते हैं, मैं ये भी बन जाऊंगा, वो भी बन जाऊंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये चीज जो है हमेशा इंसान को कमजोर बनाती है। तो छठा गुण आया था कि जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडर्स का एक बहुत बड़ा गुण है ये कि वो जितना अपने अनुयायी से एक्सपेक्ट करता है, तो वो लीडर सोचता है कि जितना उसे मिल रहा है रिटर्न उससे ज्यादा वो देने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ा गुण है कि उसको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा वो देने की कोशिश करे ताकि उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये अगर जिस लीडर के अंदर है गुण,
कि मुझे अपने अनुयायियों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत और कैसे अच्छा दे सकता हूँ, और कैसे उनको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या नया कर सकता हूँ। जो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता लीडर, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। सातवां गुण आ जाता है सुखद जीवन। जो एक अच्छा लीडर होगा उसका कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा होगा, उसका लाइफ बहुत शांत होगी, सुखद जीवन होगा। जो व्यक्ति परेशान रहेगा अपने परिवार में भी और वैसे भी लाइफ में, परेशान आदमी कभी भी एक किसी को दिशा नहीं दिखा सकता, वो लीडर नहीं बन सकता। तो उसका जीवन, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो उनके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को भी देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में कैसे इंसान है। जो इंसान पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं होगा वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, लीडर बनने की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। आठवां गुण आ जाता है सहानुभूति और समझ। सहानुभूति, अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, कोई दुखद समस्या में है या सिचुएशन में है उसके साथ सहानुभूति दिखाना, हर संभव अगर हो सके तो उनकी मदद भी करना और समझदारी से काम भी लेना, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हर व्यक्ति को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने अनुयायियों को समझना कि किसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ उनको, अपने स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी आ जाती है। जो ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाते, सहानुभूति समझ नहीं दिखा पाते लीडर्स, तो वो अपना वो स्टूडेंट्स का विश्वास खो देते हैं, क्योंकि वो सब सिचुएशंस को समझ नहीं पाएंगे कि वो उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो नौवां गुण आ जाता है पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। जो एक सफल लीडर होगा वो हर जिम्मेदारी को, पूरी जिम्मेदारी को लेने की इच्छा वो रखता है, क्षमता रखता है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं ये अच्छा हूँ, अपना अच्छा ही अच्छा 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 ही दिखाते रहे, नहीं, अगर उसने कोई गलती की है तो उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। ये एक सफल लीडर की बहुत ही बड़ी क्वालिटी है कि अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना, कांच की तरह एकदम आर पार कोई भी किसी उसको पढ़ सके। अगर कोई गलती करी है तो गलती को सबके सामने कबूल करना, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ी बड़ी क्वालिटी है। और आखिरी और दसवां गुण, सहयोग। हर लीडर को सहयोग करना चाहिए सभी अनुयायियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो भी जुड़े हुए हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ताकि किसी का भी मनोबल ना गिरे। अगर जिसका मनोबल गिर रहा हो उसको मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहन दें, ताकि वो उसके साथ और खड़ा हो सके और मजबूती से चल सके जीवन में। तो ये बहुत जरूरी गुण है कि सहयोग करना, ताकि वो जो भविष्य में भी जो है कुछ सफल बन सके, सक्सेस हो सके। 10 सबसे बहुत ही बढ़िया गुण थे, जो कि अगर आपको अगर लीडर बनना है तो ये होने बहुत जरूरी है। ये 10 गुण सोचिए और अमीर बनिए के सिद्धांतों में है, नेपोलियन हिल के द्वारा जो दिया गया है। बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है इन गुणों से कि अगर हमें भविष्य में अगर हम लीडर बनने की सोच भी रहे हैं तो ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, वरना अगर ये क्वालिटीज में से अगर एक भी मिसिंग रही तो हम जो है उनको लीडर नहीं बन सकते भविष्य में। तो ये गुणों को अगर लीडर बनना है तो अपने अंदर इसको धारण करना पड़ेगा और हम भी जो है जीवन में एक सफल लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का टॉपिक? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और कुछ भी अगर आपको कमियां लगती है या अच्छा लगता है, अच्छे या बुरे कोई भी कमेंट हो तो उसको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।